नीरज चोपड़ा की बहन ने क्या कहा गोल्ड मेडल जीतने के बाद? नीरज ने नया इतिहास रचा है, कई सालों की मेहनत तपस्या की है जो आज रंग लाई है। सालों साल का इंतजार था भारतवासियों को एथलेट में भारत को स्वर्ण पदक जीतने का, और यह स्वर्ण पदक लगभग 100 वर्षों के बाद, और वो भी पहला गोल्ड मेडल इस खेल में टोक्यो ओलंपिक से आया है। और पूरा देश नीरज के ऊपर गर्व कर रहा है और पूरे देश की दुआएं भी दे रहा है। और साथ साथ भारत के खाते में 13 साल बाद गोल्ड मेडल आया है और नीरज चोपड़ा के परिवार में खुशी का माहौल है। अब क्या कहना है, क्या महसूस कर रहे हैं उनके परिवार वाले? उनकी बहन ने कहा, हमारी आर्थिक स्थिति पहले ठीक नहीं थी। नीरज के परिवार वालों ने मिलकर डिसीजन लिया था कि भैया का जेवलिन के तरफ ज्यादा रुझान है तो इसका साथ देना चाहिए। चोपड़ा जब 15 साल के थे तो उनका वेट 80 kg था। वेट मेंटेन करने के लिए उनके चाचा ने शिवाजी स्टेडियम लेकर गए और वहां उनका एडमिशन करवाया। तब से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और मात्र 23 वर्ष के हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। और उनके परिवार वाले भी गोल्ड का इंतजार कर रहे थे और वो पल आ गया जब वो गोल्ड मेडल जीतकर अपने परिवार के सामने आएंगे और उनका स्वागत समारोह किया जाएगा। क्या रहेगा माहौल, उस माहौल को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और इनके लिए कंग्रेचुलेशन जरूर।